असॉर्ट एक बहुत मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है जिन्होंने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग से डिमांड पर वो जो लोगों को कपड़े और अन्य चीजें पहुंचाते हैं। आज रोशन सिंह बिज जो इसके सीईओ हैं उन्होंने अपने सीएसआर फंड से जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद की है और अब ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर मानसिक तौर पर विकलांग और कई तरह के पीड़ित लोग हैं, यहां पर उनको आज कुछ वस्त्र दान कर रहे हैं अपने हिसाब से और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है पर्यावरण बचाने के लिए, यहां पर वृक्षारोपण भी किया है। आओ देखते हैं, रोशन सिंह बिज से मिलते हैं, युवा है, एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने चालू की और सैकड़ों रोजगार लोगों को रोजगार भी दिया है। आओ उनसे मिलते हैं, रोशन सिंह बिज जी से। पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन था कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन हर साल प्रॉफिटेबल रहे। गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट सीएसआर की तरफ डालना होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो सोशल कॉजेज में, तो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको एक सर्टेन पार्ट को हमेशा यू नो कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी अच्छे काम के लिए जाए। तो हम 2011 में हमने इस ऑर्ड को स्टार्ट किया था नवंबर के महीने में, ओपनिंग जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, और 2012 से एक्चुअल में बिगिनिंग किसी भी बिजनेस के बिगिनिंग में दो तीन साल प्रॉफिटेबल होने के कोई चांसेस ही नहीं है ना, आपको कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट हमारी जो सोशल कॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम कर ले रहे हैं, हम 2012 से ही कॉन्टिन्यूड हैं। आज हम आए आप गुड़गांव के सोना रोड पर, एक एनजीओ चलती है आर्ट सेवर फाउंडेशन, रवि काका जी बहुत रोजगार चलाते थे आश्रम, उनके निधन के बाद उनके बेटे यहाँ पे चला रहे हैं और आज यहाँ पर अपनी जिंदगी से लड़के जो एक समाज में अपना स्थान बना रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे जिंदगी में जी रहे हैं, विकलांग है, महिला है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मानसिक रूप से कमजोर है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर ऐसे हैं जिनको उठा के लाते हैं, अपना भी आते हैं, मेडिकल रूप से आते हैं और पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे भेजा जाता है। आज उनकी सेवा के लिए एसोट ठंडा फाउंडेशन है जो यहाँ पर समाज में उन लोगों तक जगह जमीन तक जो पीछे लोग हैं उनको भी सामान पहुँचे और उन लोगों को पहुँचे जिनकी जरूरत है। आज यहाँ पर बहुत बड़े बहुत से लोग यहाँ पर युवा है जो इसको जुड़े हुए हैं और आप बताएं सर, दिल्ली दारा इतना ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है, अभी हम लोग तो पूरे सोच समझ सकते हैं, चल सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने लिए अभी समझ ही नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें पता ही नहीं साफ क्या है, गलत। तो हम अपने छोटे से कोशिश कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कोशिश करते रहेंगे लोग जितना हो सके। किस तरीके से अपने आप को आज पल्लवी जी का आज के ज़माने की मार्केटिंग कंपनी से कोई कंपटीशन एंड टू बी ऑनेस्ट, हमने हमेशा इस चीज़ को इस चीज़ का ध्यान रखा है कि ये शॉर्ट में हम अपने आप को पिछले साल से कैसे बेटर कर सकते हैं। हम हर साल बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिकॉज यू नो आज के टाइम पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आप सुनने पर लगे हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है दैट्स व्हाट इट इज एंड टू सस्टेन फ्यूचर्स ग्रोथ हर कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ही है, देयर इज नो अदर चॉइस एंड हम भी कोई इससे एक्सेप्शन नहीं है, हम भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं और साथ ही उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हम ये भी मेक श्योर करें कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को और बेटर क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ सकें।
और साथ ही हर ऑनलाइन बिजनेस, हर ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो हैवीली लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम इस चीज़ पर मेक श्योर करेंगे किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को उनके ऑर्डर जो है वो फास्टेस्ट डेज में डिलीवर कर सकते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से कि हम राइट नाउ इंडिया में 27,000 पिन कोड सर्व कर रहे हैं और हमारा एवरेज डिलीवरी टाइम जो है वो 4.5 डेज का है। सर एक चीज बताया कि कनेक्ट होता है कस्टमर से, ये से भरोसा कायम होना चाहिए कि उसको ना तो रिटर्न, क्योंकि आजकल फंड इन सब की बड़ी समस्या है ऑनलाइन मार्केटिंग में, देखते भी हैं, तो वो भरोसा आप किस तरीके से बनाकर रखते हैं? मैंने ना ये जब मैं और भी कोफाउंडर से मिलता हूँ तो जो क्लोज डोर्स में कॉन्वर्जेशन होती है तो अ लॉट ऑफ टाइम वो ये कहते हैं कि इंडियन कस्टमर्स जो है वो लॉयल नहीं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडियन कस्टमर बहुत लॉयल है, बस आपको उसको सही तरीके से सर्व करने की ज़रूरत है। अगर ऑनलाइन जाके मैं किसी प्लेटफॉर्म से कुछ खरीद रहा हूँ और मैं उसके लिए पे कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि मेरे पास तो सामान टाइमली पहुँचे एंड एट द सेम टाइम उस क्वालिटी का पहुँचे। सो दीज आर दी टू बेसिक क्राइटेरिया अगर कोई भी बिजनेस इन चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो उसका कस्टमर से डिसटिस्फाइड होना है। आज उत्तराखंड से भी हैं आप, उत्तराखंड एक अपने से किस कनेक्ट करते हैं, इस चीज़ प्लांटेशन करना, इस तरीके से काम करना? आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है तो उसको बड़ा ही करना पड़ेगा। आपकी जो कैपेसिटी है, और सिर्फ मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूँगा, इंडिविजुअल्स को भी अपनी कैपेसिटी में जो बेस्ट कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। थैंक यू। डेली न्यूज़ ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ।